फर्रुखाबाद में कड़ाके की सर्दी से ठिठुरते दिखे बच्चे, बूढ़े और नौजवान। पॉलिथीन और कागज जलाकर खुद को ठंड से बचाते नजर आए लोग। नगर पंचायत की तरफ से नहीं की गई अलाव की कोई व्यवस्था। कस्बे में लगभग 2 दर्जन से अधिक अलाव जलने के चिन्हित हैं स्थान, कहीं भी अलाव नहीं जलवा पा रही नगर निगम। नगर पंचायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठंड से परेशान दिखे मरीजों के परिजन। ब्लॉक परिसर में ठंड से ठिठुरते दिखे फरियादी। मामला नगर पंचायत क्षेत्र कमालगंज का। क्या नाम है तुम्हारा? रघुवीर। कहाँ रहते हो? अशोक नगर। कमाल रहते हो? कमाल। अच्छा, जो पन्नी क्यों जला रहे हैं आप लोग? पन्नी काप रहे हैं सब लोग। लकड़ी है ना? लकड़ी है ना ही। कागज बिना बटोरी जब लाइट जलाता है। नगर पंचायत में कोई लकड़ी नहीं डलवाई? कोई लकड़ी नहीं डलाई अभी नगर पंचायत में। अच्छा, अभी तक कितनी है लकड़ी पड़ती नगर पंचायत से? 10-12 8-10 जगह जलती थी लकड़ी। इस बार नहीं डलवाई? इस बार नहीं डलाई। तो आप लोग क्या जला रहे हैं इसमें? इधर पन्नी जला रहे हैं। सभी लोग जला रहे हैं कमाल में? सब लोग जला रहे हैं। तो उन्हें पूछा नहीं गया नगर कब लकड़ी डलवाई आएगी? क्या कह रहे लोग? क्या कह रहे हैं? तो लोग पन्नी जला के गुजारा कर रहे हैं। नहीं तो सर्दी कितने सर्दी पड़ रही होगी? सर्दी जा रहा हूँ, 2-4 दिन हुए सर्दी पड़ी हुई है। अच्छा, सर्दी बहुत है तो पन्नी जला रहे हैं आप? तो पन्नी जला रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।